वेलकम टू वेस्ट प्लस। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक गीत। ठीक है, वो लोक गीत कौन कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं हम। तो पहला है केसरिया बालम, ठीक है, फिर दूसरा है कुरंजा, सुमेटिया, मोरियो, कागा, हिचकी, जोरावा, बिछुड़ो, डोलामारू, कामण, सीटने, बंधावा, ओल्यू या कोयल। ठीक है, तो ये प्रमुख लोकगीत हैं जो हम पढ़ेंगे। पावना, पीपली, चिरमी, गोरबंद। गोरबंद का क्वेश्चन अभी लैब असिस्टेंट के अंदर आया था कि गोरबंद किसका आभूषण है। ठीक है, तो वो ऊँट का आभूषण होता है। चिरचा, हरजस, ठीक है। और फिर राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे, जैसे जयपुर घराना हो गया, पटियाला घराना हो गया, अतरौली हो गया, मेवाती हो गया, किराना हो गया, ठीक है, सोनिया हो गया, अलादिया खां का घराना हो गया, बीनकार हो गया, डागर हो गया, रंगीला हो गया। तो ये प्रमुख घराने हैं जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केसरिया बालम, जो कि राजस्थान का राज्य गीत है। कौन सा गीत है? राज्य गीत। किसका? राजस्थान का। जैसे राज्य पक्षी होता है ना, राज्य पशु होता है, वैसे ही ये जो केसरिया बालम है, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, तो ये राज्य गीत हैं। और इसकी जो गायन शैली है वो कौन सी शैली है? तो वो मांड गायन शैली है। इसके अंदर क्या होता है, पत्नी अपने पति को विदेश से बुलाती है। ठीक है, मतलब एक संदेशवाहक गीत है ये, जिसमें पत्नी अपनी पति को विदेश से बुलाने के लिए ये गीत गाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है कुरंजा। तो जो कुरंजा पक्षी द्वारा पत्नी पति को संदेश भेजती है विदेश के अंदर। ठीक है, किसके, कौन से पक्षी के द्वारा? कुरंजा पक्षी के द्वारा। ठीक है, इसलिए इसको कुरंजा गीत कहा जाता है। ठीक है, पत्नी पति को संदेश भेजती है, तो ये एक संदेशवाहक गीत है। सुमटिया, तो सुमटिया जो भील महिलाएं होती हैं, वो जो तोता होता है, जो तोता होता है, पैरट होता है, उसके माध्यम से संदेश भेजती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो कुरंजा है वो कुरंजा पक्षी के द्वारा पत्नी पति को संदेश भेजती हैं, और जो सुमटिया है वो भील जनजाति की जो महिलाएं हैं वो तोते के माध्यम से संदेश भेजती है। फिर नेक्स्ट कौन सा है? मोरियो। तो मोरियो क्या होता है, जिस लड़की की सगाई हो जाती है ना, ठीक है, और शादी नहीं हो जाती है, तो सगाई होने के बाद जो लड़की गीत गाती है वो मोरियो गीत कहलाता है। ठीक है, सगाई हुई लड़की द्वारा गाया जाने वाला गीत मोरियो गीत कहलाता है। ठीक है, तो ये आपसे डायरेक्ट फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मोरियो गीत क्या है, तो आपको ये बताना है कि सगाई हुई लड़की द्वारा गाया जाने वाला जो गीत होता है वो मोरियो कहलाता है। या आपसे उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि सगाई हुई लड़की द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है, तो वो है मोरियो। नेक्स्ट है कागा। तो कागा से आप समझते होंगे क्रो, यानी कि कोवा। ठीक है, तो कोवे को उड़ाकर पत्नी अपने पति को, पति के आने का शगुन मनाती है। जैसे गांव में अपन बोलते हैं ना, अजय उड़ जा कोवे, कोवे उड़ जा, देखे आज कौन मेहमान आएगा। ठीक है, तो कोवे को किसी मेहमान के आने का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो पत्नी अपने पति के आने का जो शगुन मनाती है कोवे को उड़ाकर, उसको कागा गीत कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि कोवे को उड़ाकर पत्नी अपने पति को, पति के आने का शगुन मनाती है, तो वो गीत, लोकगीत कौन सा है, तो वो है कागा। फिर है हिचकी। तो हिचकी आपको पता ही है कि जब कोई याद करता है तब हिचकी आती है। तो मेवात क्षेत्र का लोकगीत है जो किसी की याद आने पर गाया जाता है। जैसे किसी की याद आती है तो उसको हिचकी आता है, कि जैसे आपको हिचकी आती है तो आप बोलते हो ना कि कोई याद कर रहा है, तो वही है, किसी की याद आने पर गाया जाने वाला जो गीत है मेवात क्षेत्र के अंदर, उसको हिचकी बोलते हैं। फिर है जोरावा। जो जोरावा है वह जैसलमेर क्षेत्र के अंदर गाया जाता है, और ये किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, जो जोरावा है वो याद में गाया जाने वाला गीत है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है बिछुड़ो। बिछड़ो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर गाया जाता है, कि जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है उसके अंदर ये गाया जाता है। जैसे झालावाड़, बूंदी वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर ये गीत
गाया जाता है। फिर है ढोला मारू, तो ढोला मारू सिरोही क्षेत्र, ठीक है, जो माउंट आबू वाला सिरोही क्षेत्र है उसके अंदर गाया जाता है। इसमें ढोला और मार की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है इस गीत के अंदर, ठीक है, और दाढ़ी जनजाति के लोगों द्वारा यह गीत गाया जाता है। जो ढोला मारू गीत है वो सिरोही क्षेत्र के अंदर गाया जाता है, जो राजस्थान के दक्षिण के अंदर है, ठीक है। जैसे ये राजस्थान है ना, तो यहाँ पर ये सिरोही है, तो यहाँ पर ये गीत गाया जाता है। तो ये डोला और मार की प्रेम कथा पर आधारित है और ये दाढ़ी जनजाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। फिर है कामण गीत, तो कामण गीत क्या होता है, जो दूल्हा होता है उसको जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाता है। जैसे शादी होती है तो शादी के अंदर जो दूल्हा होता है उसको जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाने वाला जो गीत है उसको कामण गीत, कामण लोकगीत कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, बरसात का मौसम है, ठीक है, तो आप इसलिए भी ध्यान रखेंगे कि कामण दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए यह गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है सीटने, जो सीटने गीत है वो शादी के समय महिलाओं द्वारा गालियों वाला गीत होता है। ये कौन सा, गालियों वाला सीटने, ठीक है, कौन सा गीत, सीटने। महिलाएं जो वधु पक्ष की जो महिलाएं होती हैं वो वर पक्ष के जो लोग होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको गालियों के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं, ठीक है, और उसी गीत को सीटने गीत कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है बधावा, जो बधावा है वो है शुभ काम के पूरे होने पर जो गीत गाया जाता है उसको बधावा कहते हैं, या फिर उसको बधाई वाला, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, बधावा से बधाई, मतलब बधाई कब दी जाती है, जब कोई शुभ काम हो जाता है तब बधाई दी जाती है, और वह तभी बधावा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, होल्यू या कोयल, ठीक है, तो लड़की या दुल्हन की विदाई के समय गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको ओल्यू या कोयल के नाम से जानते हैं। जब शादी के बाद लड़की की विदाई होती है तब महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है, ठीक है, उसको ओल्यू या कोयल के माध्यम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पावना, तो पावना तो आप जानते होंगे सब, शादी के बाद जो ससुराल में पावने हो जाते हैं, ठीक है, तो दामाद के ससुराल आने पर जो गीत गाया जाता है वो पावना गीत होता है, ठीक है। तो आप भी कभी ना कभी पावने बन चुके होंगे या फिर बनने वाले होंगे, तो पहले नौकरी करो, फिर छोकरी से शादी करो और फिर ससुराल जाओ, तो आपके लिए भी ये गीत गाया जाएगा, पावना गीत। फिर है पीपली, तो पीपली शेखावटी और मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है जो तीज पर गाया जाता है। किस पर, तीज पर, तो तीज आपको पता होगा रेड कलर की तीज होती है, ठीक है, और ये महिलाओं द्वारा, महिलाओं और लड़कियों द्वारा गाया जाता है, महिलाओं प्लस लड़कियों द्वारा ये गाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि पीपली जो गीत है वो शेखावटी और मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है जो कि तीज के त्यौहार पर गाया जाता है। कौन से त्यौहार पर, तीज के त्यौहार पर। फिर है चिरमी गीत, जो चिरमी गीत है, जो चिरमी गीत है वो ससुराल में रह रही लड़की द्वारा चिरमी पौधे को देखकर अपने पीहर पक्ष को याद करती है। मतलब ससुराल में लड़की का जो ससुराल होता है वहाँ पर जो लड़की होती है वो चिरमी नामक पौधे को देखकर, कौन से पौधे को, चिरमी नामक पौधे को देखकर अपने पीहर की याद में, ठीक है, जो गीत गाती है वो चिरमी गीत कहलाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे चिरमी पूछ के उसका वर्णन पूछ सकते हैं या उसका वर्णन देके आपको गीत का नाम पूछा जा सकता है, तो दोनों तरफ से आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे ज़्यादा टाइम हो जाता है लड़की को ससुराल के अंदर, फिर सास उसको ताने देती है, ठीक है, फिर वो चिरमी पौधे को देखती है, फिर अपने ससुराल, अपने पीहर को याद करती है, ठीक है, और उसके याद में जो गीत गाती है वो चिरमी गीत होता है। फिर है गौरबंद, ठीक है, ये जो गौरबंद वाला क्वेश्चन है ये लैब असिस्टेंट का, जो राजस्थान लैब असिस्टेंट का जो अभी पेपर हुआ है, ठीक है, 28 का, 28 जून को, उसके अंदर ये इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऊँट के गले का जो आभूषण होता है उसको गौरबंद कहते हैं, और जो गौरबंद लोकगीत है वो ये आभूषण बनाते टाइम महिलाएं द्वारा, जो शेखावटी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये गीत गाया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो गौरबंद है वो ऊँट के गले का आभूषण है और इसको बनाने के लिए जो गीत गाया जाता है शेखावटी क्षेत्र के अंदर महिलाएं द्वारा उसको गौरबंद गीत कहा जाता है। फिर है चिरचा, लोक देवियों के भजन
जो किए जाते हैं लोग देवियों के जो भजन किए जाते हैं उनको चिरचा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, चिरचा। फिर है हरजस, लोग देवी और देवताओं के भजन। मारवाड़ क्षेत्र में रात्रि जागरण के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले जो लोकगीत होते हैं, ठीक है, उनको हरजस कहते हैं। क्या कहते हैं, हरजस। लोग देवी देवताओं के भजन हरजस के अंदर, ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र में और रात्रि जागरण के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उनको हरजस लोकगीत कहते हैं, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना क्या है, जयपुर है, ठीक है, तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, ठीक है, और सबसे फेमस घराना भी यही है। इसके अंदर जो प्रवर्तक है इसका, जयपुर घराने का, वो है मनरंग, जिसको भूपत खां के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और मुख्य कलाकार यहाँ के कौन है, तो मोहम्मद अली खां, जिनको कोठी वाले भी कहते हैं, ठीक है, कौन है, मोहम्मद अली खां, जिनको कोठी वाले के नाम से भी जानते हैं, तो ये जयपुर घराने के मुख्य कलाकार हैं, और जयपुर घराने का जो प्रवर्तक है वो है मनरंग, जिनको भूपत खां के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है पटियाला, जो कि जयपुर घराने की ही एक ब्रांच है, जयपुर घराने की ब्रांच है, ठीक है, पटियाला। इसके जो प्रवर्तक हैं वो अलीबख्श और फतेह का, और मुख्य कलाकार थे गुलाम अली, कौन है, गुलाम अली। नेक्स्ट है अथरोली, ठीक है, कौन सा, अथरोली, ये भी जयपुर घराने की ही ब्रांच है, ठीक है, अथरोली, ठीक है, तो जयपुर घराना हो गया, फिर पटियाला हो गया, फिर अथरोली हो गया, तो ये तीनों जयपुर घराने से संबंधित हैं। इनके जो प्रवर्तक हैं तो वो कौन है प्रवर्तक, तो वो है साहेब खां, और जो मुख्य कलाकार है वो है मानतोल खां, जिनको रुलाने वाला फ़कीर के नाम से भी जानते हैं, जिनको रुलाने वाला फ़कीर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अपने गायन से, लोक गायन से, अपने संगीत से लोगों के आँख में आंसू ला देते थे, इसलिए मानतोल खां को रुलाने वाला फ़कीर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट घराना है मेवाती घराना, ठीक है, इनके जो प्रवर्तक थे वो थे गग्गे नजीर खां, कौन, गग्गे नजीर खां, ठीक है, और इनके जो मुख्य कलाकार थे वो थे पंडित जसराम, जिनकी हाल ही के अंदर मृत्यु हो गई है, ठीक है, निधन हो गया जिनका हाल ही के अंदर, वो थे पंडित जसराज मेवाती घराने से। फिर है किराना घराना, ये कोई किराने की दुकान नहीं है, ठीक है, उनके पहले किराना, अगर परचुनी की दुकान है तो उनको किराना बोल दिया, नहीं, ये किराना घराना है जो कि संगीत घराना है। इनके प्रवर्तक है बंदे अली खां, कौन है, बंदे अली खां, और इनके जो मुख्य कलाकार हैं वो है पंडित भीमसेन जोशी, जिनको 2008 के अंदर भारत रत्न भी मिला था। नेक्स्ट है उस्ताद रजब अली, रोशन आरा बेगम आपको पता है किसकी, जो साजा है, ठीक है, उसकी सिस्टर थी रोशन आरा बेगम, और वांगूबाई हैगर, कौन, वांगूबाई हैगर, ये रोशन आरा बेगम दूसरी है, और जो एक वो पहले थी मुगल काल के अंदर, वो साजा की सिस्टर थी, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है सोनिया, तो ये अपनी सोनिया गांधी नहीं है, ये घराना है, ठीक है, संगीत घराना है सोनिया। इनके जो प्रवर्तक थे वो थे सूरत सेन, और मुख्य कलाकार हैं वो है अमृत सेन, तो आप ध्यान रखेंगे सोनिया घराने का, जो सोनिया संगीत घराना है उसके प्रवर्तक सूरत सेन, जबकि मुख्य कलाकार अमृत सेन। फिर है अल्लादिया खां का घराना, किसका घराना, अल्लादिया खां का घराना, प्रवर्तक अल्लादिया खां, ठीक है, और मुख्य कलाकार किशोरी अमोणकर, कौन, किशोरी अमोणकर। फिर है बीनकार घराना के प्रवर्तक थे रजब अली खां, कौन, रजब अली खां और राम सिंह, ठीक है, रजब अली खां मुख्य प्रवर्तक है, ठीक है, और ये राम सिंह द्वित्य के दरबारी विद्वान थे, जो कि जयपुर के महाराजा थे राम सिंह द्वित्य, उनका दरबारी विद्वान था कौन, रजब अली खां, जिन्होंने बीनकार संगीत घराने का प्रवर्तन किया। और अंतिम दो हैं डागर घराना और रंगीला घराना, जो डागर घराना है उसके प्रवर्तक थे बहराम खां डागर, ठीक है, बहराम खां का डगर, जो राम सिंह का दरबारी विद्वान था ये भी, और रंगीला जो था वो उसके प्रवर्तक था रमजान खां, जिसको मियां रंगीला के नाम से भी जाना जाता था, किसके नाम से, मियां रंगीला के नाम से। तो ये हमने देखा मुख्य संगीत घराने, ठीक है, और प्रमुख
लोक गीत जो कि राजस्थान के हैं, जिसके अंदर मुख्य लोकगीत जो इम्पोर्टेंट है वो है केसरिया बालम, पदारोनी मारे देश, ठीक है, कुरंजा और मोरियो, ठीक है, कागा हिचकी और जोरावा, ठीक है, बिछुड़ो डोला मारू, सीटने, ये सीटने एग्जाम के अंदर हाल ही के अंदर पूछा गया था, और चिरमी। तो ये प्रमुख लोकगीत हैं जो आपको याद रखना है, और ये गौरबंद है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको भी इसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।